इन दिनों सोशल मीडिया पर एक डिबेट चल रही है। डिबेट ये कि भारी बंदूक से गोलियों की बरसात करने का ट्रेंड आखिर शुरू किसने किया था। यहाँ रियल लाइफ की बात नहीं हो रही, वरना बाबा जीत जाएंगे। फिल्मों की बात हो रही है, जैसे KGF 2 का वो सीन आपको याद है, जब रॉकी भाई सोने का एक बिस्किट लेने पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ से लौटते वक्त गोलियों की बौछार कर देता है। ये सीन फिल्म के पहले टीजर में भी था। कहा जा रहा है कि ये सीन सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है से उठाकर कई साउथ इंडियन फिल्मों में कॉपी किया गया है। बीते दिनों कई ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें इस तरह का एक सीन किसी न किसी तरीके से फिट किया गया। उस सीन का मकसद ये दिखाना है कि अब नायक के पेशेंस की इंतहा हो चुकी है, वो सबकी ऐसी तैसी फेरने पर तुल गया है। बहस ये है कि ये ट्रेंड शुरू किसने किया, किसने से मतलब है किस फिल्म ने। पिछले कुछ समय से हिंदी बनाम साउथ सिनेमा वाली बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि साउथ की फिल्मों ने ओरिजिनल कंटेंट बनाया, जबकि हिंदी इंडस्ट्री कॉपी पेस्ट करने में रह गई। ऐसे में हिंदी वालों को टाइगर जिंदा है का एक सीन मिल गया। टाइगर जिंदा है के क्लाइमेक्स में आने वाले सीन में टाइगर MG-42 नाम की बंदूक से भयंकर फायरिंग करता है। बताया जाता है कि इस सीन में सलमान ने 500 गोलियां बरसाई थी। इस सीन की शूटिंग 3 दिनों में की गई थी। MG-42 के 2 पीस इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान गर्मी पड़ रही थी। गर्मी में एक ही बंदूक से इतनी हैवी फायरिंग करना रिस्की हो सकता था, इसलिए 2 बंदूकें रखी गई थी। जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर साउथ की नकल करने का आरोप लग रहा है, ऐसे में सलमान के सीन की मदद ली जा रही है। कहा जा रहा है इस अंधाधुंध फायरिंग वाले सीन की शुरुआत टाइगर जिंदा है इससे हुई थी। इसी सीन को आगे कैंथी, KGF 2, विक्रम, वॉल्टर वीरैया और थुनेवो जैसी साउथ इंडियन फिल्मों में कॉपी किया गया। ये बात ठीक है कि इंडिया इंडियन सिनेमा में ट्रेंड सलमान खान की टाइगर जिंदा है से शुरू हुआ, मगर ये बहुत ओरिजिनल आइडिया नहीं था। पहली बार इस तरह का कोई सीन सिल्वेस्टर स्टालोन स्टारर फिल्म रैम्बो में देखा गया था, जहां शर्टलेस सिल्वेस्टर मशीन गन से धुआंधार फायरिंग करते देखे गए थे। खैर, आने वाले दिनों में सलमान खान टाइगर 3 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी श्वेतांग। मेरा नाम दिव्यांशी है, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।